Volunteers, get back. मैं देखता हूं कि रास्ते में ट्राली में कोई व्यक्ति गंद लेके जा रहा है,
हम रुक जाते हैं, हमारी गाड़ी में अगर कोई शॉल होती है उसके गले में डाल देते हैं, नहीं होती है तो उसको प्यार से हंस लेते हैं, को रस्ते में देखते हैं को गटर साफ कर रहा है, हमारी सफाई कर रहा है, हम उससे नफरत करते हैं। नहीं, वो मातृभूमि की हमारी राष्ट्र की सेवा के लिए सफाई कर रहा है। अब तो नरेंद्र मोदी जी ने एक नया आंदोलन शुरू कर दिया, लोग उसको राजनीतिक लोक पे ले सकते, पर नरेंद्र मोदी जी ने जो नई क्रांति लाए हैं इन बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं। हम बिगड़े हुए माहौल के, हमारी आदतें बिगड़ चुकी, राजनीति ने, प्रशासन ने, हमारे समाज के सिस्टम ने हम बड़े लोगों को बिगाड़ दिया। कर देंगे, हो जाएगा, हो गया, नहीं। नरेंद्र मोदी कहता है मैं वो भारत बनाना चाहता हूँ, ये बच्चों को वो भारत देना चाहता हूँ। हम तो बिगड़े हुए माहौल के हैं, जो आने वाले वक्त के अंदर हमारे बच्चों का एक नई तस्वीर बने, एक नया भारत बने। हम डिसिप्लिन बिना राजनीति में बदलाव आ रहा है। लालू प्रसाद यादव जैसे लोग अब जेल में चले गए। अब जिसने भी राजनीतिक व्यक्ति ने को गलत काम किए होंगे वो आखिर में जेल में जाएगा। एक नए दौर की शुरुआत हुई है इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के फ्यूचर के लिए। हम कितने सालों से राजनीति में हैं, हमने राजनीति को करीब से देखा है, राजनीति को रिसर्च किया है, आपको टेलीविजन में देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मैंने खुद रिसर्च किया है। हम पहले जिंदगी का एंजॉय करते, हम मिनिस्टर हैं, अब वो वक्त बदल चुका है। मातृभूमि को मजबूत करने के लिए हर व्यक्ति को अब जिम्मेदारी मिली है। तो मैं आखिरी वक्त में यही कहना चाहूंगा अपने माता पिता जितने भी हैं बच्चों के, स्कूल के टीचर को, जरूर बच्चों को एक जो कोर्स है, एक जो पीरियड है वो राष्ट्रभक्ति के ऊपर जरूर बच्चों को सिखाएं। हमारा इतिहास खत्म नहीं होगा, कभी भगत सिंह, कभी राजगुरु सुखदेव, कभी मंगल पांडे, कभी तबाकुल्ला खान, वो इतिहास जरूर बच्चों को बताएं। चंद्रशेखर आजाद, इनके इतिहासों को अगर बताएंगे तो मैं समझूंगा आप इस मातृभूमि की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद तभी मजबूत है, हमारी मातृभूमि मजबूत है। हमारी मातृभूमि मजबूत अगर नहीं है तो मंदिर गुरुद्वारे भी हमारे सुरक्षित नहीं है। हमारी मातृभूमि अगर कमजोर थी तो राम जन्मभूमि पे आतंकवादियों ने हमला किया। हमारी मातृभूमि अगर कमजोर थी रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ। हमारी मातृभूमि कमजोर थी तो अक्षरधाम पे हमला हुआ। हमारी मातृभूमि कमजोर थी तो हरमंदिर साहब पे हमला हुआ। हमारी मातृभूमि कमजोर थी अजमेर शरीफ पे हमला हुआ। अगर मातृभूमि मजबूत है, वो मातृभूमि जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को अपने आश्रम में समा रखा है। एक मां अपने बच्चे को पेट से जन्म देती है, एक वो भारत मां जो सबको अपने आंचल में समा के रखती है। दुनिया के अंदर इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, इटली, क्या किसी के आगे मां लगता है? नहीं। हम खुश नसीब हैं, दुनिया के अंदर एक ही देश है जिसके आगे लगता है भारत मां। हिंदुस्तान भारत मां, उसकी सेवा करना हमारा फर्ज होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जरूर इन बच्चों को ये कहना चाहूंगा वंदे मातरम के ऊपर, क्योंकि मेरा जब जीवन जाएगा भगवान से एक ही प्रार्थना अंदर से मेरे वंदे मातरम भारत माता की जय निकले। मुख में वंदे मातरम, तन में वंदे मातरम, मन में वंदे मातरम, बहते हुए खून में वंदे मातरम, खंजरे कातर कभी भी खत्म कर देना हमें, चीख भी निकलेगी निकलेगी वंदे मातरम जय है। सॉरी 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 खराब आप कैसे दर्शन।